नमस्कार, मैं हूं आयुष चित्रांश और आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश उत्तराखंड का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज। देश भर में कोरोना की दूसरी लहर ने हड़कंप मचा रखा है और ऐसे में योगी सरकार के तमाम प्रयासों के बीच में उत्तर प्रदेश में कोरोना को हराने में काफी हद तक सफलता मिल रही है। सूबे के मुखिया सीएम योगी आदित्यनाथ को जमीन पर उतर के कोरोना संबंधित सभी प्रतिक्रियाओं पर नजर बनाए हुए हैं। प्रदेश में जब ऑक्सीजन का संकट आया तो केंद्र की मदद से योगी सरकार ने रेल के रास्ते और सड़क के रास्ते प्रदेश में ऑक्सीजन की आपूर्ति करने का काम भी शुरू किया। अब शुरुआती दौर में प्रदेश में कोरोना के आंकड़े तेजी के साथ बढ़े थे, कई लोगों को कोरोना से अपनी जान भी गंवानी पड़ी। इसके बाद सीएम के निर्देशन पर स्वास्थ्य विभाग की टीम और योगी सरकार के द्वारा बनाई गई टीम 9 के कड़े प्रयासों के बाद अब कोरोना के केस में भारी गिरावट आई है। इसके साथ ही कोरोना के मौत के आंकड़े भी अब कम हो रहे हैं। अब गांव से लेकर के हर जिले में कोविड कमांड सेंटर बना दिए गए हैं, जिसका सीएम खुद निरीक्षण करते हुए देखे हैं। इसके साथ ही योगी सरकार में वैक्सीनेशन को अभियान के स्तर पर भी चलाया जा रहा है, जिसमें 18 से ज्यादा आयु वाले लोगों को वैक्सीनेशन में तेजी लाने का प्रयास है। प्रदेश में ट्रेसिंग, टेस्ट और ट्रीटमेंट के फॉर्मूले से यूपी में कोरोना कंट्रोल होता हुआ दिख रहा है और योगी सरकार कोरोना के खिलाफ एक रोल मॉडल बनकर उभर आई है। लेकिन इन सभी के बीच में विपक्ष बराबर योगी सरकार को घेरता हुआ नजर आ रहा है। विपक्ष का ये कहना है कि सरकार इस मामले में सच को छुपा रही है। तो अब सवाल यहां से ये उठता है कि यूपी में आप कोरोना हार रहा है तो विपक्ष आखिर इस पर सवाल क्यों खड़े कर रहा है। तो योगी सरकार लगातार इसको लेकर के जो अभियान है वो चला रही है। कोरोना के आंकड़े भी तेजी के साथ कम हुए हैं, लेकिन विपक्ष लगातार इसको लेकर के हमलावर है कि आखिर कोरोना को लेकर के जो स्थितियां हैं वो अभी भी गंभीर बनी हुई हैं और सरकार के मैनेजमेंट को लेकर के लगातार जो सवाल हैं वो खड़े किए जा रहे हैं। तो यूपी के गांव में तेजी से कोरोना कंट्रोल हो रहा है। 4.5 करोड़ में से 2.34 करोड़ टेस्ट अकेले ग्रामीण क्षेत्र में है। हर रोज 1 लाख टेस्ट ग्रामीण क्षेत्र में हो रहे हैं और फोकस इस बार ग्रामीण क्षेत्रों में है। इसमें 70,000 से अधिक निगरानी समितियां जिनका गठन किया गया है, जो कि गांवों में तैनात हैं, ताकि फोकस इस समय गांव के ऊपर रह चुके संदिग्ध संक्रमित को चिन्हित करके निगरानी जो समिति है वो काम कर रही है और इनको वहीं पर जो ट्रीटमेंट है वो मुहैया हो रहा है। WHO ने भी यूपी सरकार के काम की तारीफ की है, क्योंकि जिस तरह से इन्फेक्शन कम हुआ है, पॉजिटिविटी रेट भी आप देखें अगर पूरे देश का तो उसमें सबसे कम उत्तर प्रदेश का है। यानी कि यहाँ पर सर्वाधिक कम पॉजिटिविटी रेट उत्तर प्रदेश का बताया गया है। यूपी में 1,23,589 एक्टिव मामले हैं। 4 जिलों में पॉजिटिव केस अगर हम बात करें तो ये सिंगल डिजिट में हैं। 45 जिलों में ये केस डबल डिजिट के अंदर हैं और 24 जिले ऐसे हैं जहां पर ये केस सैकड़ों में हैं और आंकड़े कम जरूर हुए हैं। यूपी में आज 7,336 मामले हैं। 24 घंटे में 19,676 लोग ठीक भी हुए हैं और 18.86 लाख केस कम हुए हैं। और इसलिए कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो कोरोना है वो अब फिलहाल नियंत्रण में आता हुआ दिख रहा है, क्योंकि 2.34 करोड़ टेस्ट अकेले ग्रामीण क्षेत्र में हुए हैं। तो आज हम बड़ी बहस की शुरुआत करें, लेकिन उससे पहले आइए आपको सुनवाते हैं क्या कुछ कहना है सपा प्रवक्ता अनुराग भदौरिया का और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रमोद तिवारी का और आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह का और बीजेपी प्रवक्ता नवीन श्रीवास्तव का। कमाल है उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश की सरकार का और उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का। वो ये हल्ला मचाते चारों तरफ घूम रहे हैं कि WHO ने हमारी हेल्थ व्यवस्था की गांव की तारीफ की है। गांव में जो हमने व्यवस्था की उसकी WHO तारीफ कर रहा है। चारों तरफ फूले नहीं समा रहे हैं कि WHO तारीफ कर रहा है, WHO तारीफ कर रहा है। अरे भैया, इसी देश का उत्तर प्रदेश का इलाहाबाद हाईकोर्ट उच्च न्यायालय कह रहा है कि गांव में जो व्यवस्थाएं हैं वो राम भरोसे हैं। गांव में सब कुछ राम भरोसे चल रहा है, मतलब वहां कोई व्यवस्थाएं नहीं है। वहां लोग बीमार हो गए, बीमार होकर लोगों की मौतें हो जाए, कोई देखने वाला नहीं है। इससे ज्यादा शर्म की बात किसी सरकार के लिए हो सकती है क्या? जहां कोरोना की टेस्टिंग ही नहीं हुई, लोगों को बुखार आता है, खांसी आती और सांस फूलती है, मर जाते हैं लोग, उनको ले जाकर दफन करते हैं। चीख चीख कर ये 2000 लाशें जो गंगा में तैर रही हैं वो दूसरी कहानी बता रही है। जो गंगा किनारे गाड़ दिए गए हैं 2 फीट 3 फीट पर, वो इस सरकार की सबसे अमानवीय चेहरा उजागर करते हैं। खुद कोरोना से संक्रमित होने और ठीक होने के बाद भी उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिस प्रकार से अंथक मेहनत और प्रयास कर रहे हैं, उसकी देन है कि आज उत्तर प्रदेश में रिकवरी रेट 91.4% तक आ गई है। पॉजिटिविटी रेट जो पहले 22% थी वो घट के 4.5% आ गई है। मृत्यु दर भी 1.1% के आसपास है। उत्तर प्रदेश में अब तक 4.5 करोड़ से अधिक
टेस्ट कराए जा चुके हैं। कोरोना की दूसरी लहर शुरू होने के पहले जहां उत्तर प्रदेश में प्रतिदिन लगभग 1 लाख टेस्ट हो रहे थे, कल मंगलवार के दिन तक 3 लाख टेस्ट प्रतिदिन किए जा रहे हैं। यह मुख्यमंत्री जी की देन है कि उत्तर प्रदेश के गाँव में संक्रमण रोकने के लिए 97,000 राजस्व गाँव में जिस प्रकार से रैपिड रिस्पांस टीमें और निगरानी समितियों की देखरेख में घर घर दस्तक देके कोरोना संक्रमित लोगों की जांच की जा रही है, उनको होम आइसोलेट या CSC पर भर्ती कराया जा रहा है। उसके वजह से उत्तर प्रदेश में कोरोना की दूसरी घातक लहर से संक्रमित होने वाले लोगों और मृत्यु दर में कमी आई है। आदित्यनाथ जी की सरकार मौत का आंकड़ा छिपाने की चाहे जितनी कोशिश कर ले, लेकिन गांव-गांव में जो दृश्य सामने आ रहे हैं वो अत्यंत भयावह हैं, डराने वाले हैं। वो फिर चाहे कानपुर हो, चाहे उन्नाव हो, चाहे लखनऊ के आसपास के गांव हो, बलिया हो, गाजीपुर हो, प्रयागराज के आसपास के गांव हो, बिजनौर के गांव हो, सुल्तानपुर हो, फैजाबाद हो, उत्तर प्रदेश के लगभग हर जिले के गांवों की स्थितियों का अगर आप आकलन करेंगे तो गांव-गांव में इस वक्त कोरोना के कारण लोगों की मौत हो रही है। कमाल है उत्तर प्रदेश। तो पक्ष विपक्ष की बात को आपने सुन लिया। एक तरफ तो उत्तर प्रदेश की सरकार के वो आंकड़े हैं जिसके आधार पर यह कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो कोरोना है वो कंट्रोल होता हुआ यानी कि नियंत्रण की स्थिति में जाता हुआ दिख रहा है, तो वहीं इन्हीं आंकड़ों को लेकर के सवाल विपक्ष ने उठाए हैं और आज इसी पर चर्चा करते हैं कि आखिर ये जो बातें कही जा रही हैं इसकी सच्चाई क्या है। कुछ मेहमान मेरे साथ जुड़ गए हैं, उनसे मैं आपका परिचय करवा देता हूं, फिर चर्चा में आगे बढ़ते हैं। राघवेंद्र सिंह जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। राघवेंद्र सिंह जी बहुत स्वागत है आपका चर्चा में। इसके अलावा कपीश श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। कपीश श्रीवास्तव जी आपका भी बहुत स्वागत है। और वंशराज दुबे जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी के। वंशराज दुबे जी आपका भी बहुत स्वागत है। राघवेंद्र जी चर्चा की शुरुआत में आपसे ही करना चाहता हूं, अभी आप सुन भी रहे होंगे क्योंकि जो विपक्ष की तरफ से बातें कही जा रही हैं कुल मिलाकर के अगर उसका लबोलुआब हम लोग समझें तो उनका कहना यह है कि आप टेस्टिंग कम कर रहे हैं, आप आंकड़ों को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं और आप आंकड़े सही रख नहीं रहे हैं, इसलिए लग रहा है कि नियंत्रण में जाता हुआ उत्तर प्रदेश के अंदर कोरोना का जो ग्राफ है वो दिख रहा है। आपका रिएक्शन मैं इसके ऊपर चाहूंगा। देखिए आयुष जी, कितनी हास्यास्पद बात है, विपक्ष कह रहा है कि हम लोग आंकड़े छुपा रहे हैं। वर्तमान में ना हम लोग वैक्सीनेशन का आंकड़े छुपा सकते हैं, ना किसी प्रकार के आंकड़े छुपा सकते हैं। सब चीजें कंप्यूटर पर एक क्लिक में उपलब्ध हैं। आज की तारीख में हमारे लगभग 2.75 लाख टेस्ट हुए हैं, कल भी इतनी ही संख्या हुई थी। हमारी योगी आदित्यनाथ सरकार ईमानदारी से कोरोना के प्रति लड़ रही है। जब से योगी आदित्यनाथ जी स्वस्थ हुए हैं, जब वो आइसोलेट रहे थे तब भी वो लोग ईमानदारी से योगी आदित्यनाथ काम कर रहे थे। उन्होंने 64 ऑक्सीजन टैंकर विद GPS सिस्टम हर जिले में भेजने का काम किया था। वर्तमान में उनका केंद्र जो है देहात क्षेत्र है, उत्तर प्रदेश में 97 लाख ग्रामों में ट्रेसिंग हो रही है, टीकाकरण हो रहा है, दवाओं का वितरण हो रहा है, ईमानदारी से काम हो रहा है। परिणाम स्वरूप लगातार कोरोना के ग्राफ में गिरावट आ रही है। आज की तारीख में 7,500 के लगभग जो है संक्रमित पाए गए हैं। इसकी तारीफ भी WHO ने की है, इस महीने में 2 बार WHO ने उत्तर प्रदेश के काम की तारीफ की है। देखिए हमें उत्तर प्रदेश में किसी के प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। अभी हमारे जो भदौरिया जी ने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी अपनी पीठ ठोक रही है, लेकिन मेरा ये कहना है, देखिए हाथ कंगन को आरती क्या, ये बात सही है। कुछ लगभग 4-5 दिन जो है उत्तर प्रदेश में जो कोरोना संक्रमण थोड़ा सा बढ़ा हुआ था, वर्तमान में 15 तारीख के बाद से आज की तारीख में लगातार उसमें गिरावट हो रही है और हमें लगता है इस महीने के अंत तक उत्तर प्रदेश से कोरोना का संक्रमण समाप्त हो जाएगा। देखिए जो विपक्ष जो है, विपक्ष की भूमिका अपनी भूमिका का चाहे केंद्र में हो चाहे उत्तर प्रदेश में हो, अपनी भूमिका का निर्वहन ठीक ढंग से नहीं कर रहा है। टूल किट वाला मामला देखिए प्रकाश में आया, इसी प्रकार से उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने क्या कहा था कि ये भारतीय जनता पार्टी की वैक्सीन है, मैं नहीं लगवाऊंगा, और अभी तक उन्होंने उस वैक्सीन को शायद लगवाया नहीं है क्योंकि उनकी कोई ऐसी फोटो समाज में प्रकाशित नहीं हुई है। देखिए विपक्ष का मतलब ये नहीं होता है कि आप लोग हर विषय में विरोध करिए, आप लोग रचनात्मक विरोध कर सकते हैं, भारतीय जनता पार्टी का विरोध करिए उसका स्वागत है, लेकिन हर विषय का विरोध जिसमें समाज में उनके समाज में नुकसान हो
वर्तमान में ईमानदारी से हमारी सरकार काम कर रही है, विपक्ष को दर्पण देखना चाहिए, विपक्ष को देखना चाहिए जितनी ईमानदारी से भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश सरकार और भारतीय जनता पार्टी के केंद्र की सरकार काम कर रही है उसमें सहयोगी की भूमिका का। चलिए, विपक्ष की भूमिका को भी आपने बता दिया क्या होना चाहिए, साथ ही साथ आपने ये भी बता दिया कि जानबूझ करके कहीं ना कहीं इस तरीके की बातों को विपक्ष कह रहा है। कपीश जी, इस बात का जवाब दीजिए, चूंकि जब आंकड़े बढ़ रहे हैं तब तो सरकार की विफलता है कि भाई सरकार रोक नहीं पा रही है, लेकिन वही आंकड़े जब कम हो रहे हैं तब फिर उसके इफ और बट्स हैं कि अब टेस्टिंग कम हो रही है या ये आंकड़ों को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा क्यों कहा जा रहा है विपक्ष की तरफ से? आयुष भाई, मैं तार्किक रूप से बात करूंगा और दो तरह से अपनी बातों को प्रस्तुत। पहला तो ये कि ये जो करा रहे हैं टेस्टिंग, इसकी कोई रिपोर्ट किसी कंप्यूटर पे नहीं है कि कितने आरटीपीसीआर इन्होंने उत्तर प्रदेश में एक दिन के अंदर कराए हैं और कितने एंटीजन टेस्ट इन्होंने कराए हैं। तो ये झूठ बोल रहे थे, ये झूठ के पुलिंदा हैं, ये बात साफ है। और अगर सत्य है तो जरा आज का आंकड़ा अपलोड करके दिखा दें कि किस जिले में आरटीपीसीआर का टेस्ट कहां कितना हुआ और कितना एंटीजन टेस्ट हुआ, एक बात। दूसरी बात मैं आपको बता कि गोरखपुर के अंदर आज भी बीआरडी मेडिकल कॉलेज में 18 मौतें हुई थी कल शाम तक, जिसको कि स्थानीय पेपरों ने प्रमुखता से छापा है, लेकिन योगी प्रशासन ने केवल 2 मौतों को अपलोड किया है। इस मतलब आयुष भाई, ये क्या बताता है कि 16 लोगों की मौत सरकार खा गई, जैसे 1621 प्राथमिक शिक्षक मर गए उनको मानने के लिए तैयार नहीं है, केवल 3 दर्ज कर रही है। तो यह योगी सरकार है और यह योगी सरकार की महिमा अपरंपार है। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा, इस अब डाटा को आप दूसरी तरफ से देखिए। देश के अंदर जहां 4 लाख लोग निकल रहे थे संक्रमित, आज 2,67,000 निकले हैं, लेकिन मृत्यु दर जो है वो 4,500 कैसे है, यानी कि 4,500 मृत्यु इस बात को साबित करती है कि उत्तर प्रदेश में जो हो रही है मृत्यु वो उसमें नहीं जोड़ी गई है, वरना मॉर्टेलिटी रेट कहीं और होती। और चूंकि यहाँ पे आंकड़े जारी नहीं किए जा रहे हैं कि कितने टेस्ट हुए हैं, इसलिए ये खोखली पीठ ठोक रहे हैं और यहाँ मौतें ज्यादा हो रही हैं। गांव के अंदर आपको बात बता दें, कोई गांव के अंदर कोई जांच नहीं हो रही है। योगी जी जहां जाते हैं सिर्फ वहीं 4 आशा कार्यकर्ता और वहीं उनकी टीम जाती है, और योगी जी को वहां जाने की जरूरत क्यों पड़ रही है, मैं तो इस बात को पूछ रहा हूं। योगी जी को जाने की तो जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए, सिस्टम वर्क करता है कि मुख्यमंत्री वर्क करता है? अगर प्रधानमंत्री जी समुद्र के किनारे से बोतल बिन रहे हैं, बोतल फेंक रहे हैं, तो वो देश का नुकसान कर रहे हैं, क्योंकि वो जिस काम के लिए बने थे पेंडेमिक एक्ट में, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट में, वहां तो केंद्र सरकार गायब है। और इसकी पूरी व्याख्या विदेशों के अंदर बड़े बड़े अखबारों में हो रही है, और पूरी मीडिया का जो हमारी विदेशी मीडिया है वो पूरा मान मर्दन कर रही है इनके कार्यों का, और ये कहते हैं कि टूल किट विपक्ष जारी कर रहा है। अरे हकीकत ये है कि टूल किट तो आप स्वयं जारी किए कि गंगा में जो हजारों लाशें बह रही हैं, जिन्हें कुत्ता नोच करके खा रहा है, जिन हिंदुओं की लाश को आप कुत्ते से नोचवा रहे हैं, उसकी बात दूर 7 समुंदर पार तक जा रही है, और आपके ऊपर शर्म नाम की चीज नहीं है। आप अपनी पीठ ठोक रहे हैं कि WHO ने कह दिया। WHO क्या देखने आता है? WHO वही आंकड़ों को लेता है जो हमारी सरकार जारी करती है, और ये सरकार कितनी बड़ी फर्जी है ये किसी से छुपा नहीं है। आप स्थानीय पेपर देखें और आप इनके आंकड़े देखें। अगर मैं कहता हूं कि बात करिए, अरे मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, ये जो कुत्ते से लगवा रहे हैं हिंदुओं की लाश, किसको लेकर कहां ले जाएंगे राजेंद्र जी? हिंदुओं की लाश जो आप कुत्ते से लगवा रहे हैं, किसको कहां योगी जी लेकर के जाएंगे? ये किस तरीके के करते हैं कि हिंदुओं को अंतिम शिकार नहीं मिल पा रही है? कुत्ते नोच करके खा रहे हैं शबनिंदर की सरकार में। आपको तो भगवान में बचने वाले हैं राजेंद्र जी, यही सच्चाई है, और इसको स्वीकार करना सीखिए। अगर स्वीकार नहीं करेंगे तो चलिए ठीक है, ठीक है। वंशराज दुबे जी को भी मैं चर्चा में शामिल करता हूं, ठीक है? आप लोग आरोप प्रत्यारोप करते रहिएगा, अभी बहुत समय है। वंशराज दुबे जी, विपक्ष सिर्फ आलोचना करने के लिए या फिर कुछ सकारात्मक बात भी बता दे भाई, चूंकि ये तो सबको दिख रहा है कि जो आंकड़े हैं वो बढ़े और आंकड़े अब कम हो रहे हैं, लेकिन सिर्फ ये कहना कि टेस्टिंग कम कर दी इसने आंकड़े कम हो गए, तो फिर इस बात का श्रेय देना चाहिए था कि जिस समय आंकड़े बहुत बढ़े तो उस समय कम से कम ये टेस्टिंग ही करवा रहे थे। बहुत बहुत अच्छा सवाल है आयुष जी, आपने बहुत अच्छी बात करी कि विपक्ष का काम
सिर्फ और सिर्फ आलोचना करना नहीं होता, सरकार को आईना भी दिखाना होता है, सरकार को रास्ता भी दिखाना होता है। और जब इस कोरोना की वैश्विक महामारी में, चाहे वो पहला स्कीम जब पहला फेज था इस कोरोना की महामारी में, या चाहे दूसरा जो चल रहा, आज माननीय अरविंद केजरीवाल जी ने सरकार को जो जो चीजें, सरकार को जब जब आगाह किया तो वो सारी चीजें सामने आई। आज दिल्ली में जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल जी की सरकार इस महामारी में लोगों के लिए काम कर रही है, उत्तर प्रदेश में आयुष जी हम विपक्ष में भी नहीं है, हमारा कोई सांसद विधायक उत्तर प्रदेश में नहीं है, बावजूद उसके आम आदमी पार्टी ने उत्तर प्रदेश के लगभग 18 बड़े महानगरों में हमने ऑटो एम्बुलेंस सेवा शुरू करी है कि आप एक फोन घुमाइए जहां पे एम्बुलेंस के नाम पे मरीजों से 15-15, 20-20 हजार रुपए वसूले जा रहे हैं। सरकार जहां पे कान में रुई डाल के बैठी हुई है, आम आदमी पार्टी ने एक छोटा सा प्रयास किया है कि उत्तर प्रदेश की 24 करोड़ जनता को उनके घाव पे मरहम लगाने का काम हम लोग कर रहे हैं। कल माननीय प्रदेश प्रभारी जी ने 35 डॉक्टरों की एक टीम लॉन्च की कि 24 घंटे सातों दिन उत्तर प्रदेश का कहीं का भी निवासी जिसको उत्तर प्रदेश की आदित्यनाथ सरकार ने इस महामारी में अनाज छोड़ रखा है, गांव के गांव आज मरघट में तब्दील हो गए हैं। और ये बात अगर आपका पत्रकार जाके किसी सिद्धार्थनगर में किसी भी जनपद में जाके दिखाएगा आयुष जी, तो उसको गिरा गिरा के मारा जाएगा, देशद्रोह का मुकदमा उसके ऊपर हो जाएगा। ये बात सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूँ, सीतापुर के आपके विधायक कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के सीतापुर के विधायक कह रहे हैं कि अगर आप सवाल खड़ा करोगे सरकार के खिलाफ तो आपके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा हो जाएगा। आयुष जी, आज आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश में हम कहीं कोई ताकत में नहीं है, लेकिन हमारे पास जो भी सीमित संसाधन है, ऑटो एम्बुलेंस का हो, रसोई चलाने का हो, मास्क वितरण का हो, यानी जो कुछ भी हम कर सकते हैं हमने किया। मैं बधाई देना चाहता हूं आदित्यनाथ जी को कि कल माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने जिस तरीके के एक अनाउंसमेंट किया कि गरीब परिवार में जो हमारे बच्चे हैं, जो छोटे छोटे बच्चे जिन्होंने इस कोरोना वैश्विक महामारी में अपने माता पिता दोनों को खो दिया, उनको हम आर्थिक मदद देंगे, 25 साल तक उनको पेंशन देने का काम करेंगे। उस पे आज मैं देख रहा था कि आदित्यनाथ जी कोई निर्णय ले रहे हैं कि हाँ हम भी उनकी मदद करेंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता, मुझे एक कहावत याद आ रही है कि तुम्हारी फाइलों में गाँव के मौसम गुलाबी है, मगर ये दावा, ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावा किताबी है। उत्तर प्रदेश के गांव, आयुष जी, आज उत्तर प्रदेश के गांव सबसे पहले जब शहर बर्बाद हो रहे थे तो आदित्यनाथ जी जाके कोलकाता में, असम में प्रचार कर रहे थे, ना उन्होंने शहरों को बचाया, और आज गांव के गांव उजड़ गए, जहां पे सीएचसी सेंटरों में, बहुत कड़ी सच्चाई में बता रहा हूँ, सीएचसी सेंटरों में अगर आयुष जी एक कुत्ता काट लेता है उसका इंजेक्शन नहीं मिलता, कोरोना से और ये तमाम बड़ी बड़ी बीमारियों से लड़ने की बात बहुत दूर है। आप चले जाइए किसी भी बीमारी के लिए, आप जाइएगा, आपका 1 रुपए का पर्चा तो कट जाता है, लेकिन आपको दवाएं वहां पे नहीं मिलती। जो दुर्दशा आज उत्तर प्रदेश में हुई है, WHO की नहीं, दुनिया की किसी रिपोर्ट का हवाला उत्तर प्रदेश में आदित्यनाथ जी दे दें, लेकिन सच्चाई जो है 24 करोड़ जनता इस बात को समझ चुकी है कि अब सिर्फ, चलिए ठीक है, चलिए राघवेंद्र जी, सच्चाई बता रहा है विपक्ष, कह रहा भाई हमारा काम तो आईना दिखाने का, हम तो आईना दिखा रहे हैं, अब आप लोग अपनी पीठ ऐसे ही थपथपा रहे हैं, जवाब दीजिए। नहीं, देखिए बात होनी चाहिए आंकड़ों पे आधारित, अर्जी बात करेंगे तो वो तो पूरा उत्तर प्रदेश की जनता देख रही है किस प्रकार से समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी कहा कि ये समाजवादी जो जो भारतीय जनता पार्टी की वैक्सीन है मैं नहीं लगाऊंगा, और मैं 1000 डिबेटों में ये बात कह चुका हूँ, आज तक समाजवादी पार्टी के किसी नेता ने इस बात का खंडन नहीं किया, और समाजवादी पार्टी के मुलायम सिंह यादव ने आज तक वैक्सीन भी नहीं लगवाई है, अगर लगवाई होती तो समाज में आते, और समाजवादी पार्टी के नेता जो है, जो चाहे प्रवक्ता रहा हो या अन्य पदाधिकारी, भारतीय जनता पार्टी की जो वैक्सीन है गौमूत्र और गोबर से लेप कर रहे हैं, और वो कोरोना गो का नारा लगा रहे हैं, और नाली के पानी से गैस बना करके उससे चाय बनाने की कोशिश कर रहे हैं। राघवेंद्र भाई यही मानिए, जो भारतीय जनता पार्टी ने अपनी वैक्सीन बनाई है दो मीटर वाली, सुरेंद्र सिंह विधायक भी आपके तीन रुपए चुनाव होते, आपके तमाम मंत्री तीन रुपए चुनाव होते, हम लोग तो उसी पर विचार करते हैं, गोबर खाने के लिए, क्योंकि जब तक भारतीय जनता पार्टी से अगर बात करनी है तो गोबर खा के बचना पड़ेगा और गोमूत्र पीना पड़ेगा, क्योंकि इनको और कुछ नहीं आता है, इनको और कुछ नहीं आता है, मुझे याद है पिछली बार जब कोरोना का संक्रमण आया था उत्तर प्रदेश में मात्र
हुई है, गोरखपुर जिले में केवल 419 सेंटीमीटर हुई है, और आप झूठ बोल रहे हैं। यही आंकड़े पूरे उत्तर प्रदेश के हैं, आप झूठ बोल रहे हैं। अगर कंप्यूटर से आंकड़े हैं तो दिखाइए। मैं चैलेंज करना हूँ आपको, आपको मैं चैलेंज करता हूँ कि आप पार्टी कितना खिचार था, आप रिपोर्ट दिखा दीजिए कल का, कितने लोगों की आपने की है, आपने कितने केंद्र के किया है, आप मुझे बताइए। भारतीय जनता पार्टी की झूठी सरकार और आंकड़ों की बेनिफिट करने वाली बातचीत का संभावना चाहती है। लोग गांव के गांव साफ हो रहे हैं, एक गांव में कोई दस कभी दलित कभी 25 आदमी मर रहे हैं और ये लाखों को छुपा रहे हैं। ये लाशों को खाने वाली सरकार है, ये लाशों की आंकड़े खा रही है ये सरकार। ये सरकार सिद्ध हो चुकी है और उत्तर प्रदेश के हिंदुओं की कपिल जी, मुझे लग रहा है एक एक करके बोलने तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि दोनों में से किसी की बात समझ में नहीं आ रही है। एक एक करके बोलने, एक एक करके बोलने, राघवेंद्र जी को कंप्लीट करने दें। कपिल जी ठीक है, एक सेकंड, अगर ये मेरे बारे में बोलेंगे तो मैं फिर ठीक है। एक सेकंड, एक सेकंड, थोड़ा धैर्य रखें राघवेंद्र जी, ये भी धैर्य रखें, सत्ता पक्ष है। राघवेंद्र जी कंप्लीट करें। देखिए मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, मैंने जो आंकड़े बताए उसका ये खंडन करें। ये कह देते हैं ये आंकड़े गलत है, बल्कि क्या है, आप लोग वास्तविकता ये है, आप लोग विपक्ष की भूमिका लायक नहीं है, आप लोग जो है कोई विरोध करने लायक नहीं है, आप लोग सिर्फ छिद्रा निवेशन करते हैं। समाजवादी पार्टी जो है विपक्ष की भूमिका में है, आप लोग ये बात सही है, रचनात्मक विरोध करें उसका स्वागत है, लेकिन आप लोग कहीं का एक कहीं का रोड़ा प्रधानमंत्री ने कुटवा जोड़ा, आप लोग ये कर रहे हैं, कोई विपक्ष की ये तरीका होता है। आप पूरा उत्तर प्रदेश को देश की सरकार का पूरे अंतर्राष्ट्रीय सरकारें जो है मदद कर रही है, तारीफ कर रही है, लेकिन हमारे योगी आदित्यनाथ की सरकार, मोदी की सरकार से विपक्ष लड़ रहा है, इसके अलावा कोई कहीं काम नहीं कर रहा, चाहे केंद्र में कांग्रेस की भूमिका हो चाहे उत्तर प्रदेश में समाजवादी। चलिए कौन क्या काम कर रहा है, मुझे लग रहा है इस समय लोग अपना अपना ही काम अगर करें बेहतर तरीके से राघवेंद्र जी, तो मुझे लगता है कि समस्या से हम लोग और जल्दी निजात पा सकते हैं, बशर्ते इसके कि दूसरे को आईना ना दिखाया जाए। मुझे ये बताएं कपीश जी कि जो चीज अपने आप को सूट करती है उसको तो आप लोग कहते हैं कि हाँ ये ठीक है, अब अगर पॉजिटिव रेट बढ़ रहा है तो आप कहते हैं ये आंकड़े सही है, वही पॉजिटिविटी रेट जब घटता है तो आप कहते हैं कि ये आंकड़े गलत हैं, मौत के आंकड़े जब वही बढ़ते हैं वही सरकारी आंकड़े आप मान लेते हैं कि सही हैं, वही आंकड़े जब घटते हैं तब आप कहते हैं कि ये आंकड़े गलत हैं। भाई जो चीज अपने आप को सूट कर रही है सिर्फ उसी को क्यों लेना है फिर, या तो कोई आंकड़े मत मानिए। हकीकत ये है कि कोई भी चीज हम लोगों को सूट नहीं कर रही है, इस वजह से नहीं कर रही है कि इनके आंकड़े शुरू से फर्जी थे। जिस समय उत्तर प्रदेश में, अब देखिए देखिए मिर्ची लग गई भाई साहब को, ये भूल गए, ये सत्ता पक्ष के हो गए हैं, इन्होंने सोच लिया है कि साहब नहीं नहीं, नहीं कपिल जी देखिए भाई किसी बात पर तो यकीन करना पड़ेगा ना, ऐसे कैसे चलेगा, क्योंकि अगर आप इन्हीं आंकड़ों को आधार बना करके ही तो आज इनको कटघरे में खड़ा कर रहे हैं ना कपीश जी, अभी जो मौजूदा आंकड़े हैं उसी आधार पर तो आप इनको कटघरे में खड़ा कर रहे हैं ना कि देश के अंदर ये स्थिति है, प्रदेश के अंदर ये स्थिति है। अगर उन आंकड़ों को आप मान रहे हैं तो फिर ये भी मानिए कि ये कम हो रहे हैं, या तो उनको भी झुठला दीजिए फिर। आयुष भाई ना झुठलाने की जरूरत है ना बताने की जरूरत है, जब आईना प्रयागराज हाईकोर्ट ने इनको दिखा दिया हो और यहाँ वहां ये बयान हल्फी दे के कहे हो कि हाँ हमने पहले से टेस्ट कम कर दिया है, अब इससे बड़ी जलालत क्या हो सकती है इनकी, और हम इससे ज्यादा प्रूफ क्या कर सकते हैं। नहीं नहीं वो बात सही है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ ना कपीर जी कि देखिए हाईकोर्ट ने भी तो आंकड़ों के आधार पर इन बातों को कहा ना, हाईकोर्ट ने भी तो इसी बात को आधार बनाया ना कि भाई आंकड़े बढ़ रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, आपकी व्यवस्थाएं क्या हैं, तो फिर अब इसी बात को आप भी आधार मानिए कि अगर सरकार कह रही है कि भाई ये कम हो रहा है, क्योंकि आखिर में तो आपको एविडेंस के तौर पर वो आंकड़े ही रखने पड़ेंगे ना, भरोसा तो किसी पे करना ही पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा कि भाई ये दिखा रहे हैं इनके पास ये आंकड़े हैं। आयुष भाई जो जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा, जो जो हाईकोर्ट ने कहा, चाहे उत्तर प्रदेश सरकार के लिए और चाहे केंद्र सरकार के लिए, यह बहुत पोषणीय चीज नहीं है कि जिनके ये चहक रहे हैं। भाई एक ने तो कह दिया कि 14 महीने तक केंद्र सरकार क्या सो रही थी, मद्रास हाईकोर्ट ने कह दिया क्यों नहीं चुनाव आयोग और केंद्र की सरकार के ऊपर जो हत्या का केस चलाया जाए, और उत्तर प्रदेश की प्रयागराज ने क्या कहा कि जिस तरीके की अव्यवस्था फैली हुई है, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, इंजेक्शन नहीं मिल रही है, दवाई नहीं मिल रही है, क्यों ना ये कहा जाए कि ये सरकार नरसंहार कर रही है। और दिल्ली हाई कोर्ट ने क्या कहा था कि ये जो सरकार है केंद्र की, ये चाहती है कि लोग मरे, ये सारी चीजें का तथ्य है, इसको मैं कोट कर रहा हूं। कपीश श्रीवास्तव अपने पास से कहां से आंकड़े लाएंगे, हम तो विपक्ष में बैठे हैं, सरकारी एजेंसियां तो इनके पास है, ये आंकड़े का फर्जिफिकेशन करते हैं, लेकिन प्रयागराज हाईकोर्ट में इन्होंने जो बयान हल्फी दी है उससे इनकार कर सकते हैं कि हाँ हमने पहले से कम टेस्ट करें।
तो ये तो खुद ही हमाम में नंगे हैं ये साहब, ये क्या कर सकते हैं? और इनके आंकड़े फर्जी हैं, और कपीस नहीं कह रहे, ना समाजवादी पार्टी ना विपक्ष कह रही है, ये तो ये खुद नहीं, नहीं, आंकड़ों का झपकी कपीस जी यहाँ जिक्र हुआ, इसलिए मैंने इस बात को यहाँ पर आपसे समझना चाहा, क्योंकि वही आंकड़े तो आप लोग आधार बना रहे हैं ना आखिर, वो आंकड़े कपीस जी ने नहीं बनाए ना, जो आंकड़े बढ़े हुए हैं या जो मौत के आंकड़े हैं या जो हाईकोर्ट की सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियां हैं, वो उन्हीं आंकड़ों के आधार पर तो है ना, तो फिर तो ये भी मानना पड़ेगा कि ये कम हुआ है। जब कम हुआ ये आंकड़े दे रहे हैं कि ये कम हुआ, तब आप कहेंगे कि नहीं ये भाई आंकड़ों की बाजीगरी करते हैं, लेकिन उसी को आधार बनाते हुए जब वो चीजें खराब होती तब आप उसके पक्ष में खड़े होते कि हाँ नहीं ये सरकार सही नहीं कर रही है। हम पक्ष और विपक्ष में नहीं खड़े होते, हम केवल अपनी जनता के पक्ष में खड़े हैं, जो उसके लिए बेहतर। चलिए ठीक है, ये तो पॉलिटिकल बात होगी कपिल जी, देखिए मैं टेक्निकल जवाब चाह रहा था, आपने कहा ना कि आप तथ्यों के आधार पर बात करेंगे, इसलिए मैं तथ्यों के आधार पर आपसे पूछ रहा था, आंकड़े दोनों तरफ से देखने पड़ेंगे ना, आपने कहा कि आप इसको इस तरीके से भी देखिए उस तरीके से भी देखिए, तो अगर आप बढ़ते हुए आंकड़ों को दिखाएंगे तो घटते हुए आंकड़े भी वही सरकार दे रही है ना। वंशराज दुबे जी नहीं देखिए आंकड़े तो सरकार ही दे रही ना कपीर जी, आपके आंकड़े तो है नहीं, आप सत्ता में तो है नहीं, तो बढ़े हुए आंकड़ों को अगर आप मानेंगे, बढ़ी हुई मौतों को अगर आप मानेंगे, तो घटे हुए आंकड़ों को भी आपको मानना पड़ेगा। वंशराज जी एक सेकंड, ठीक है मैं वंशराज जी को शामिल करता हूं, मैं आऊंगा कपीर जी आपके पास, मैं इन्हीं के आंकड़े की बात करूंगा ना, कि इन्होंने कहा कि हाँ हमने पहले से कम आंकड़े कम टेस्टिंग कराई है, और ये प्राइवेट में आरटीपीसीआर जो करा रहे हैं उसके अंदर आपको मता दे रहे हैं गवर्नमेंट रजिस्ट्रेशन। नहीं ठीक है कपीर जी, मैं आपकी बात को समझ गया, मैं उससे झुटला नहीं रहा हूं भाई, वस्तु स्थिति क्या है वो तो सबको दिख रहा है ना, क्योंकि आंकड़े भी बढ़े हैं, समय स्थितियां क्या है वो सबको समझ में आ रहा है, लेकिन सवाल इस बात का है कि अगर वो घट रहा है तो उसको भी तो फिर हमको एक्सेप्ट करना पड़ेगा ना, क्योंकि वही आंकड़े हैं। जावेद जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जावेद अहमद जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी के। जावेद जी बहुत स्वागत है, ठीक है बहुत स्वागत है जावेद जी आपका चर्चा में। जावेद जी जो बातें आप लोग कह रहे हैं उस पर सत्ता पक्ष की तरफ से कहा जा रहा है कि आप लोग जानबूझ करके इस समय, ये जो समय आप कोरोना का काल है उसमें भी राजनीति करने से बाज नहीं आ रहे हैं, आप लोग जानबूझ के राजनीति इस तरीके के मामलों पर भी कर रहे हैं, मैं आपका रिएक्शन चाहूंगा इसके ऊपर। आयुष जी सरकार सच को सुनना नहीं चाहती है, सरकार जो है कांग्रेस हो या दूसरे विपक्षी दल हो उन पर गुमराह करने का आरोप लगा रही है। मैं अपनी बात को थोड़ा देर से जुड़ा हूँ, उसके लिए क्षमा प्रार्थी भी हूँ। तांगा चालक जो है जब हरी घास का अभाव होता है तो वो पीली सूखी घास पर घोड़े के पीछे जाकर उस पर पानी डाल देता है, हल्का सा नमक डाल देता है, और घोड़े को, ये मैंने घटना देखी है, ये सुनी सुनाई नहीं है, देखी है, और घोड़े की आंखों में हरा चश्मा लगा के या हरे रंग की उसके ऊपर पंडी बांध के वो उस सूखी पीली घास को उसके सामने डाल देता है, और वो घोड़ा जो है उसको हरा समझ के खा लेता है, क्योंकि नम भी हो जाती है और नमक भी पड़ा होता। तो वही स्थिति उत्तर प्रदेश सरकार की है या केंद्र सरकार की है कि वो चाहती है कि जो हम दिखा रहे हैं उसको सच माना जाए, इसके अलावा सब भ्रम है। उत्तर प्रदेश में जो आंकड़ेबाजी का खेल है ये पिछले कोरोना काल में भी हुआ था, इस कोरोना काल में भी हुआ। आप जांच केंद्रों की संख्या आपने कम कर दी, जांचों की संख्या आपने कम कर दी, और उसके बाद जो है आंकड़े जो आ रहे हैं वो आप निगेटिव उसको घोषित करते चले। इसीलिए तो ये सीनियर नोडल अफसर, ये सीनियर जो ब्यूरोक्रेसी है इसमें से लोगों को निकाल के जिलों जिलों में नोडल अफसर बना दिया गया। जब जिला अधिकारी आंकड़े नहीं छिपा पा रहे थे, जब CMO आंकड़ा नहीं छिपा पा रहा था, तो सीनियर अधिकारियों की जनपदों में तैनाती की गई, और इस कांड को पकड़ा माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट ने। और आज यही कारण तो है आप विपक्ष पे आरोप सरकार लगा ले, लेकिन हाई कोर्ट पर क्या आरोप लगाएगी कि हाई कोर्ट को जिला जजों को नामित करना पड़ा, कि अब ये पूरी मॉनिटरिंग जिला जज करेंगे आकर। तो जब जिला जज करेंगे तो इसका मतलब है सरकार का फेल्योर एक जगह नहीं है, कई जगह है। आयुष जी आप बताइए, वैज्ञानिकों ने कहा जब वैक्सीन बनी कि आप इसको 4 से 6 हफ्ते में दूसरी डोज लगेगी, लेकिन आपके पास आप लगातार ढिंढोरा पीसते रहे कि हमारे पास वैक्सीन उपलब्ध है, वैक्सीन उपलब्ध है, वैक्सीन उपलब्ध है, और स्थिति क्या हुई कि आपने नीति आयोग का एक आपने समूह बना दिया और उसने सीधे सीधे कह दिया कि अब 82 दिन के बाद सेकेंड डोज लगेगी। तो ये इसके पीछे कौन सा वैज्ञानिक तर्क था, कौन ऐसा साइंटिस्ट था जिसने रिसर्च करके बताया कि अब दूसरी जो वैक्सीन है वो 82 दिन के बाद लगेगी? इसका कारण है कि आप कहीं ना कहीं विफल हो गए।
उत्तर प्रदेश की सरकार हो या केंद्र की सरकार हो, ये विफलताओं के स्मारक पर खड़ी है, ये लाशों की मीनार पर खड़ी होकर वो राजनीति कर रही है जिसका इस देश, यह देश अभ्यस्त नहीं है। आप इस देश को कहां लेके जा रहे हैं? आप किस तरीके से आप इस कोरोना को नियंत्रित करना चाहते हैं? आप आंकड़ेबाजी में हेरा फेरी करके, फर्जी आंकड़े पेश करके आप कोरोना को नियंत्रित करना चाहते हैं और देश को त्रासदी में आप फंसा देना चाहते हैं। अब तो इस उत्तर प्रदेश के अंदर तो तीन तीन संवैधानिक संकट उत्पन्न हो गए। संविधान में लोगों की, आम भारतीयों की जीवन की रक्षा का अधिकार निहित है और सरकार जीवन की रक्षा नहीं कर पा रही है, लोगों को इलाज नहीं दे पा रही है और तो और अब सम्मानजनक अंतिम संस्कार भी इस देश के अंदर लोगों का नहीं हो पा रहा है। दूसरा संवैधानिक संकट है, ये भारतीय जनता पार्टी विपक्ष पर या कांग्रेस पर आरोप लगा रही है, तो इस सरकार को अपना भी अगर इसके पास आईना हो तो चेहरा देख लेना चाहिए कि ब्रजेश पाठक ने किस तरीके से सरकार को आईना दिखाया चिट्ठी लिखकर। भारतीय जनता पार्टी के कितने विधायकों ने नाराजगी जाहिर की और चिट्ठी लिखी है मुख्यमंत्री को, यह दूसरा संवैधानिक संकट है। जिन चैनलों ने, जिन अखबारों ने सच दिखाने का साहस दिखाया और काम किया कि गंगा, यमुना, शारदा, घाघरा, सरयू, केन और बेतवा में किस तरीके से अपनों के शव बह रहे थे, वो किस तरीके से उनकी फोटोएं आई जो मन को व्यथित कर रही थी, विचलित कर रही थी, किस तरीके से पवित्र नदियों की कछार के किनारे शव दफन करने को लोग मजबूर हुए, उनको किस तरीके से चील, कौए और कुत्ते नोच रहे थे, उसके बाद जीती जागती चलती हुई तस्वीरों को इस सरकार ने झुठलाने का काम किया और पत्रकार जो दिखा रहे हैं उनको नोटिस देने का काम और उन पर मुकदमा लिखने का काम, तीन तरीके के ये संवैधानिक संकट है। उससे बड़ी त्रासदी क्या हो गई उत्तर प्रदेश में? चलिए ठीक है, मैं इसका जवाब ले लेता हूँ, ठीक है राघवेंद्र जी हमारे साथ है, मैं उसका जवाब लूंगा, लेकिन वंशराज जी मैं आपका रुक कर लेता हूँ। वंशराज जी, चूंकि आपने कहा कि आप उत्तर प्रदेश के अंदर तो न तो विपक्ष की भूमिका में है ना ही विपक्षी पार्टी की भूमिका में, मुझे ये बताइए कि आप, चूंकि आपने ये कहा कि इनका मैनेजमेंट इस तरीके का है कि गांव तक भी ये स्थितियों को संभाल नहीं पा रहे हैं, शहरों की तो बात आप छोड़िए, लेकिन मुझे ये बताइए क्योंकि मौजूदा दौर के अंदर जब सेकंड वेव ने हिट किया तो दिल्ली भी तो उससे अछूता नहीं था ना, आप लोगों को भी तो स्थितियां संभालने में वक्त लगा था, वही वक्त उत्तर प्रदेश के अंदर भी लगा। आप ये कह रहे हैं कि हमने आंकड़ों को कम किया है, तो यहां पर आंकड़ों की बाजीगरी क्यों नजर आती है और दिल्ली में जो आंकड़े कम हो रहे हैं वो आपका मैनेजमेंट क्यों है, ऐसा क्यों? देखिए आयुष जी, सबसे पहले तो जो हमारे भाजपा के प्रवक्ता हैं आदरणीय राघवेंद्र जी, उनके साथ मेरी पूरी सहानुभूति है। इस महामारी ने हमारे तमाम तरीके के जो भाजपा के देवतुल्य कार्यकर्ता थे वो महामारी उनको भी निकल गई, तमाम तरीके के भाजपा के ऐसे कार्यकर्ता थे जो तड़पते रहे ऑक्सीजन के लिए, बेड के लिए, वेंटिलेटर के लिए, उनको वो भी नसीब नहीं हुआ और बहुत सारे मंत्री और विधायक भी नहीं रहे। आंकड़े की बात आयुष जी हो रही है, दो कोरोना महामारी के दूसरा फेज है, पहले फेज में आपको याद होगा टीम 11 बनी थी, मुझे नहीं लगता आज तक उस टीम 11 का क्या काम था, शायद वो क्रिकेट खेलने के लिए बनाई गई होगी, और ये दूसरी बार अब बनाई गई टीम 9, शायद ये भी खो खो खेलने के लिए आदित्यनाथ जी ने बनाई होगी। आज आयुष जी जब लखनऊ से आदित्यनाथ जी गोरखपुर जाते होंगे तो बीच में अयोध्या पड़ता है, अयोध्या चीख रहा था, आयुष जी अयोध्या चीख रहा था कि हमारे पास ऑक्सीजन नहीं बढ़ने, और आज अयोध्या से गाँव बुखार से तप रहे हैं। मेरे बगल के जनपद में, मैं सुल्तानपुर का रहने वाला हूँ, जिस जिले से मैं आता हूँ, कोई ऐसा सात गांव नहीं बचा होगा जहां दर्जनों की संख्या में लोगों की मौत नहीं हो रही है। कैसे आंकड़े की बात कर रहे हैं आप? क्या हाई कोर्ट ने जो सरकार को फटकार लगाई कि राम भरोसे चल रही उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाएं, क्या वो सरकार, क्या वो हाईकोर्ट झूठ बोल रहा है? 2000 से ज्यादा लाशें जो गंगा के किनारे दफन है, क्या वो कोई आंकड़ा, उसके बारे में आंकड़ा कौन जारी करेगा? आज कुत्ते जो लाश नोच रहे हैं उसके बारे में आंकड़ा कौन जारी करेगा? तो कहीं ना कहीं ये जो आदित्यनाथ जी अपना चेहरा चमकाने के लिए अखबार इनके हिसाब से बोले, टीवी चैनल के हिसाब से बोले, जो प्रवक्ता इनके अच्छे हिसाब से नहीं बोलेगा उसके ऊपर मुकदमा हो जाएगा। आपने ये नहीं होगा। दूसरी बात आपने कही कि आदित्यनाथ दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी क्या कर रहे हैं। देखिए अरविंद केजरीवाल जी ने जब जब हमें ऑक्सीजन की दिक्कत हुई हमने गुहार लगाई, और जब ऑक्सीजन की पूर्ति हुई तो हमने धन्यवाद भी दिया सरकार का। हमने ये भी कहा कि जितना ऑक्सीजन हमको चाहिए था आपने उतना दिया, अब उससे कम, अगर वो कम हो गया तो आप इसको वापस भी ले सकते हैं। आज वैक्सीनेशन का संकट है दिल्ली में, हम उस पर भी गुहार लगाते हैं। हम अपनी जनता को गुमराह नहीं करते। 500 बेड का अस्पताल
आयुष जी 500 बेड का अस्पताल दुनिया की कोई ऐसी सरकार नहीं होगी जो 10 दिन में बना के दे दी होगी। बताइए ना आदित्यनाथ जी ने कितने कितने जो है बेड का अस्पताल बनाया उत्तर प्रदेश में। तो आंकड़े की बात अगर आप करिएगा खुला चिट्ठा है, दिल्ली सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार में जमीन और आसमान का अंतर है। सिर्फ एक जो बात है कि आदित्यनाथ जी की नियत नहीं है उत्तर प्रदेश की जनता को बचाने के लिए। और मैं क्या कहूं आदरणीय मोदी जी को, जिनको तो माँ गंगा ने बुलाया था उत्तर प्रदेश में, जो 16.66 रुपए पर दिन निधि दे रहे किसान निधि। दिल्ली के अंदर कोरोना से जो मौतें हुई हैं, अगर उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी उनके लिए जिम्मेदार है, इनका मैनेजमेंट जिम्मेदार है, तो फिर जिम्मेदारी है अरविंद केजरीवाल की। 55 रुपए कफन हो गया उत्तर प्रदेश के गांव में। वंशराज जी, दिल्ली में हुई मौतों की जिम्मेदारी आम आदमी पार्टी की अरविंद केजरीवाल की है कि नहीं है? दिल्ली में हुई मौतों की जिम्मेदारी है कम से कम आपकी, अगर इनकी जिम्मेदारी है उत्तर प्रदेश के अंदर हुई मौतों की? बिल्कुल, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सरकार की जिम्मेदारी, लेकिन आप सोचिए कि नियत कैसे हुई वंशराज जी, कैसे हो गई मौत, फिर कैसे हुई कोरोना से मौत? कुछ तो दिक्कतें हुई होंगी ना, नहीं कहीं तो मिसमैनेजमेंट हुआ होगा, या सब स्वाभाविक मौतें थी कि यहाँ कोरोना हो गया, चलिए उनकी मौत हो गई। आयुष जी, सरकार का सरकार अपना काम तो कर ही रही थी। सरकार का कार्य होता है अपनी जनता को भरोसे में लेना, उसके लिए आप क्या कार्य कर रहे हैं? माननीय मुख्यमंत्री जी ने ठीक है तमाम चैनलों के सामने। वंशराज जी देखिए, इसीलिए मैंने कहा ना, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। अगर आप आरोप लगा रहे हैं तो फिर आपको ये भी बताना पड़ेगा ना, और जिम्मेदारी भी लेनी पड़ेगी, फिर ये भी बताना पड़ेगा कि मौतें क्यों हो गई हैं। मैं कह रहा हूँ भाई, बताइए ना आदित्यनाथ जी ने कब जनता को भरोसा दिया? ठीक है, ये बिल्कुल बताएंगे, ये बिल्कुल बताएंगे, लेकिन आप भी बताइएगा कि कहाँ पर दिक्कत हुई भाई, कौन सा मैनेजमेंट आपने खराब ऐसा किया जिसकी वजह से दिल्ली के अंदर भी इतनी मौतें हो गई? मैंने कोई मैनेजमेंट, ठीक है, हाँ आपका मैनेजमेंट सही था, वो स्वाभाविक मौतें थी जो दिल्ली के अंदर हुई है। ठीक है, चलिए चलिए, दिल्ली में हुई मौत स्वाभाविक है, उत्तर प्रदेश में हुई जो मौतें हैं वो मिसमैनेजमेंट से हुई है। ठीक है, राघवेंद्र सिंह जी, राघवेंद्र सिंह जी, चलिए ठीक है, मैं राघवेंद्र जी से जवाब ले लेता हूँ। राघवेंद्र जी जवाब दीजिए। देखिए, ये जो आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता महोदय बैठे, उनसे मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ, ये बताइए पिछले 7 वर्षों में अरविंद केजरीवाल ने कितने ऑक्सीजन प्लांट लगाए? उत्तर प्रदेश में 52 ऑक्सीजन प्लांट पिछले योगी आदित्यनाथ जी ने लगाए हैं। हमारे उत्तर प्रदेश की सरकार में आज जो रिकवरी रेट है 91% पार हो जाने दीजिए भाई, आपका समय हो गया। चलिए वंशराज, अब सुन लीजिए, वंशराज जी अब सुन लीजिए भाई, देखो सारे लोग सवाल ही पूछते रहेंगे तो जवाब नहीं मिल पाएगा। ठीक है, देखिए आंकड़ों को लेकर के सवाल मैं चाह रहा हूँ, स्पेसिफिक होकर के आंकड़ों का ही जवाब दे दीजिए। देखिए तमाम विपक्षी पार्टियां ये कह रही हैं कि आंकड़ों में चेकिंग कर रहे हैं, आंकड़े आपके पास सही नहीं है, या आंकड़े आप गलत तरीके से पेश कर रहे हैं, इसलिए वो बार बार कोर्ट का भी जिक्र हो रहा है और तमाम तरीके की संस्थाओं का जिक्र हो रहा है कि आपको फटकार लगी है। आप लोग आंकड़े कम करके दिखा रहे हैं, चाहे टेस्टिंग का आंकड़ा हो, चाहे मौत का आंकड़ा हो, चाहे फिर पॉजिटिविटी रेट की बात हो, ये आंकड़े आप लोग कम दिखा रहे हैं। मैं चाह रहा हूं कि थोड़ा सा और तार्किक तौर पे बताएं कि आप कैसे कह सकते हैं कि नहीं भाई विपक्ष जो कह रहा है वो गलत कह रहा है। राघवेंद्र जी मोदी जी की फोटो क्यों है उस पर, क्यों है मोदी जी की फोटो उस पर, योगी जी?
लगेंगे ठीक है भाई, वैक्सीन लग जाए, फोटो किसी की भी लग जाए, राहुल गांधी की भी लग सकती है भाई, उसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, वैक्सीन लगनी चाहिए, देश के अंदर लोगों को वैक्सीन लग जाए। कपीश श्रीवास्तव जी चैलेंज दे रहे हैं, राघवेंद्र जी कह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि उनके आंकड़े गलत है, वो कह रहे हैं कि आप साबित करिए कि उनके आंकड़े गलत है। चलिए ठीक है, एक सेकंड जावेद जी, कपीश जी देखिए, आयुष भाई एक ही बात को मैं कई बार साबित करूं, मुझे साबित करने की क्या जरूरत पड़ी, साबित तो प्रयागराज हाईकोर्ट ने कर दिया कि इन्होंने जो आंकड़े दिए थे वो फर्जी है, क्योंकि वहां जो जब शपथ पत्र इन्होंने दिया और जान गए कि जिला न्यायाधीशों को बना दिया जाएगा, तब इन्होंने हकीकत सामने की और शपथ पत्र पे इस बात को स्वीकार किया कि हाँ हमने पहले से कहीं ज्यादा टेस्ट कम कर दिए। एक बात ये, दूसरी बात ये, माध्यमिक प्राथमिक शिक्षक संघ ने 1621 शिक्षकों की लिस्ट दी है जो संक्रमित हुए चुनाव में जाने के कारण और उसके बाद उनकी मृत्यु हुई आगे चल करके, तो ये तीन ही को मान रहे हैं। अब आप हमें बताइए, ये मौत के आंकड़े खा रहे हैं, ये मौत के शरीर खा रहे हैं, और जो गंगा नदी में चीजें बह रही हैं आप लोगों ने दिखाए, अब उसके भी आंकड़े अगर हम कहें कि क्या है, तो ये बताइए तो विपक्ष कहां से लाएगा भाई, ये तो इनकी एजेंसी के काम है। और मैं ये कह रहा हूं कि राघविंदर भाई आप सरकार के प्रवक्ता हैं, आपको पूरी तैयारी के साथ बैठना चाहिए और आपको अपने सरकार की पारदर्शिता को हमारे आरोपों पर साबित करना चाहिए। आप हमको आरटीपीसीआर प्रत्येक जिला का जरा दिखा दीजिए कि कितना आपने कल जांचें की हैं, और आप एंटीजन टेस्ट का बता दीजिए, यही दो तो टेस्ट है ना, जरा बता दीजिए। और तीसरी बात ये बता दीजिए कि अब योगी सरकार ने ये अपील क्यों की है कि भाई जिसको भी बुखार आवे, कोई और दूसरी चीज नहीं है, कोरोना प्रोटोकॉल की पहले दिन से दवा लेनी शुरू कर दीजिए, टेस्टिंग पर मत जाइए, और आप 10 दिन के बाद अपने आप को वैसे ही निगेटिव मान लीजिए, बोलिए एडवाइजरी है कि नहीं है। क्यों नहीं आंकड़े घटेंगे? राघवेंद्र सिंह जी जवाब दीजिए। देखिए कपीश जी ने हमसे पूछा कि आरटीपीसीआर और एंटीजन टेस्ट, देखिए दोनों मिलाकर के उत्तर प्रदेश में 2.5 लाख से ऊपर आज की टेस्टिंग है। अरे भैया कंप्यूटर भाई, देखिए बात आप होने नहीं देते कपीश जी, मैं आपको नहीं कह चुका हूँ, मैं आपके आंकड़े मान लूंगा, हमें आपके कंप्यूटर के निकाल करके दे दीजिए, समय लीजिए, अभी मैं आपको ये कह रहा हूँ गोरखपुर जिले में कर 418 जांच नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ना आरटीपीसीआर बताया ना एंटीजन टेस्ट हुआ है, जिस चीज की मैं गारंटी ले लूंगा। कर्मचारी संघ के आंकड़े आप मांग रहे हैं, ना आप प्राथमिक संघ के आप आंकड़े मांग रहे हैं, ना आप गंगा नदी और अन्य नदियों में बह रहे शवों के आंकड़े मांग रहे हैं, ना आप उन्नाव में 500 लाखों में सफल की गई वो आंकड़े मांग रहे हैं। आप ये स्थापित राजनीतिक दल के प्रवक्ता है, आप ये बताइए गंगा नदी में जो बेहतर सब है वो क्या सब कोरोना के पेशेंट है भाई? देखिए मार्टम करा लीजिए ना, सरकार ने मार्टम करा लीजिए, अगर एंटी मार्टम आप करा लेंगे तो आपको सामने वाली चीजें जाएंगी। क्यों आप कब्र बनवा दे रहे हैं, क्यों कब्र बनवा रहे हैं उनकी, पोस्टमार्टम क्यों नहीं करा रहे हैं, वास्तविकता क्यों नहीं देश के सामने आनी चाहिए? कुत्ते नोच सकते हैं लेकिन उस शव का जो है अंत्य परीक्षण नहीं हो सकता है, क्या बात कर रहे हैं आप? मानवहीन संवाद मत कीजिए, आपके लिए मानवता है, सरकार को बताने के लिए मानवता मत कीजिए। आप जो है या तो सही आंकड़े बताइए आगे, आप जो आंकड़े या तो बताइए आगे, आपको मैंने कह दिया कि भाई लोग राज्य आ रही है पोस्टमार्टम करा लीजिए, वो कोरोना से मरे हैं कि किस चीज से मरे हैं सामने आ जाएगा, अगर कोरोना से मरे होंगे तो हार्ट अरेस्ट हुआ होगा और उनके फेफड़े का कंजेशन होगा, ये तो आपको सीधी सीधी पता चल जाएगी। चलिए चलिए ठीक है जावेद अहमद जी, ठीक है जावेद अहमद जी कुछ कह रहे थे बीच में, ठीक है जावेद अहमद जी को मैं शामिल कर रहा हूँ, ठीक है राघवेंद्र जी ठीक है हो गया, काउंटर हो गया, जावेद अहमद जी देखिए आयुष जी
बहुत सीधी सी बात है कि सरकार जो है कोरोना को नियंत्रित करना चाहती है या कोरोना के आंकड़ों को छिपाना चाहती है। हाईकोर्ट ने किस तरीके से टिप्पणियां की हैं, इसका क्यों नहीं संज्ञान लिया जा रहा, तो भाजपा कह रही हाईकोर्ट पे आरोप लगा रही, अभी तक विपक्ष पे आरोप लगा रही थी। जो जमीनी सच्चाई है उसको स्वीकार करने में क्या बुराई है? हमसे अगर आयुष जी गलती हुई है तो हमें स्वीकार करने में कहीं भी एक क्षण नहीं लगेगा। गलती को स्वीकार करने वाला महान होता है और गलती को छिपाने वाला क्या होता है, ये आप निष्पक्ष हैं, आप निश्चित रूप से तय करें। अरे आपको अरे आपको तो खाली झूठे का मालूम भी आपका नहीं चुका जी। आप लोग बोलने वाले स्थिति में नहीं हैं, इंसानियत के देश के साथ आप लोग गद्दारी करते हैं। मानसिकता के लोग हैं भाजपा और संघ की मानसिकता के लोग हैं। राजीव गांधी फाउंडेशन से मतलब नहीं है, यही आप देखिए आपकी क्या हालत होगी गाँव में, आपको कुछ पता नहीं है। ये भारत के टीवी चैनल पर भाषण देना और झूठ बोलना, कितने झूठ बोलेंगे आप लोग, कितना राघवेंद्र जी झूठ बोलेंगे आप लोग, पूरी जारी करे आपको वो सही, जो मीडिया को जारी करे गोदी मीडिया को वो सही, ये गंगा में बहती हुई लाशें नहीं दिख रही है। कौन सी राष्ट्रीय नीति है कोई राष्ट्रीय नीति? 150 रुपए में वैक्सीन की एक डोज खरीदेगा केंद्र, 300 की डोज खरीदने को मजबूर करेंगे राज्य को, राज्य के पास पैसा नहीं है, राज्य की जीएसटी को केंद्र ने दाब रखा है, आपको 22,000 करोड़ सेंट्रल मिनिस्टर में खर्च करना है, 10 लाख का सूट पहनने वाला पक्षी पूरी तरीके से मनोरंजन के मूड में है, देश की चिंता आपको कहां पर है? एक शब्द आपको देश की चिंता से आपका नहीं निकला और आप खिलखिलाकर हंस रहे, आरोप लगा रहे, आप फिर हाईकोर्ट को बंद कर दीजिए एक अध्यादेश लाकर, आप कहिए अपनी पार्टी से कि सुप्रीम कोर्ट को बंद कर दे, जो भारतीय जनता पार्टी कहेगी, जो नागपुर कहेगा वही पक्ष है, और उसके बाद पूरा देश झूठा है, राजा हरिश्चंद्र की संतान है तो आप हैं मात्र, आप ही के पास देश की सभ्यता और संस्कृत के। चलिए ठीक है वंशराज दुबे जी, देखिए बीजेपी की तरफ से बार बार इस बात को कहा जाता है, जब भी सवाल खासतौर से आम आदमी पार्टी की तरफ से उठाया जाता है कि दिल्ली की स्थिति को पहले आप लोग देख लें और उसको संभालें, उस पर आप लोगों की नजर होनी चाहिए। यहाँ पर टीका टिप्पणी करने से पहले हमेशा कंपैरिजन दिल्ली के साथ शुरू होता है, मौतों के लिए भी जिम्मेदार फिर आपको अरविंद केजरीवाल को बनाना पड़ेगा अगर दिल्ली के अंदर इस तरीके की परिस्थितियां हैं तो, अगर उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ है इनके लिए जिम्मेदार। देखिए आयुष जी, आज उत्तर प्रदेश की जनता बहुत अच्छी नीयत के साथ इस बात को समझ रही है कि किस तरीके से दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी एक साफ नियत के साथ सरकार चला रहे हैं और जनता के लिए खड़े हैं, चाहे 75 लाख वहां पे जनता को घरों को मुफ्त राशन देने की बात हो, 50,000 रुपए कोरोना में जिसकी मृत्यु हो गई जिस परिवार में उसको मुआवजा देने की बात हो, 2,500 रुपए पेंशन देने की बात हो, जो बच्चे अनाथ हो गए उनकी उनकी जिंदगी भर की पढ़ाई लिखाई की बात हो, तो जो काम अरविंद केजरीवाल जी कर रहे हैं मुझे लगता है उससे आप नरेंद्र मोदी जी भी सीख रहे हैं। जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि वैक्सीनेशन का फॉर्मूला लेके अन्य कंपनियों को दे देना चाहिए तो हमारी केंद्र सरकार ने बढ़ के उस जो सुझाव को अपनाया। और दो तीन चीजें उत्तर प्रदेश की सरकार के बारे में कहना है, यहाँ पर देखिए सबसे खास बात क्या है कि यहाँ पे डेमोक्रेटिक नहीं,
ब्यूरोक्रेटिक सरकार चल रही है। एक बार टीम 11 आपने बनाई, दोबारा टीम 9 बनाई। न टीम 11 में कोई डॉक्टर था, न एक्सपर्ट था, न स्वास्थ्य एक्सपर्ट था, न कोई स्वास्थ्य मंत्री था, न टीम 9 में कोई स्वास्थ्य एक्सपर्ट है। तो आप सोचिए सरकार की नीयत क्या है। दूसरा, आंकड़े की बात कर रहे हैं, आंकड़े कौन पेश कर रहा है? आंकड़ा इनके विधायक जी पेश कर रहे हैं, इनके सांसद जी पेश कर रहे हैं, इनके मंत्री जी पेश कर रहे हैं। आप आंकड़ों की बाजीगरी खेल रहे हैं यहाँ पे उत्तर प्रदेश में बैठ के। दूसरा, आपके तब वही सारे नेता तो हैं जो इस वैश्विक महामारी में बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए हैं और जनता को सलाह दे रहे हैं कि आप गोबर खाओ, आप गौमूत्र पियो, देश का स्वास्थ्य मंत्री कह रहा है आप चॉकलेट खाओ। तो आप नीयत समझो कि इनकी नीयत कैसे लोगों के हाथ में सत्ता देश की चली गई है, जिनके पास न कोई सोच है न कोई नीयत है काम करने की। आपने हिंदुस्तान की जनता का 6.5 करोड़ वैक्सीन जब आप बाहर भेज दोगे तो उत्तर प्रदेश की जनता तो मरेगी ना। आज बनारस आज आयुष जी अनाथ हो चुका, कोई पूछने वाला नहीं है। और आपने रिपोर्टर को भेजिए आप बनारस के गांव में, बनारस के गांव में आप रिपोर्टर को भेजिए और देखिए किस तरीके से हालात बद से बदतर हो चुके हैं। आदरणीय मोदी जी के एक बार जो कहिए कि फटकार लगाई हो योगी आदित्यनाथ जी को कि भाई साहब वहां की भी स्थिति थोड़ा संभाल लीजिए। तो हालात जो बद से बदतर हो चुके हैं, मुझे लगता है सरकार को अगर जल्द से जल्द कोई एक्शन नहीं लेती है सरकार, जो कि समय इसके पास नहीं है, ये हाथ से सारा मामला निकल जाएगा। उत्तर प्रदेश की जनता इस बात को अच्छे समझ रही है। हमारे पास विधायक सांसद नहीं, बावजूद उसके जनता के बीच में आज भी हम खड़े हैं पूरी मजबूती के साथ। चलिए ठीक है राघवेंद्र जी, विपक्ष की बात को तो अगर छोड़ दें, लेकिन भाई देखिए हाईकोर्ट का जिक्र यहां पर कई बार हुआ इस चर्चा के दौरान, और आपके ही विधायक आपके ही मंत्री अगर इस बात को बार बार कहने लग जाएं कि मैनेजमेंट में या व्यवस्थाओं के अंदर कुछ ना कुछ तो दिक्कतें हैं, इस वजह से ये जो परेशानी है और ज्यादा बढ़ रही है, तो क्या वो भी फिर विपक्षियों के कहने पर ऐसा कह रहे हैं? नहीं ऐसा नहीं, वास्तविकता तो ये है, महामारी है, इसमें जो है चाहे जितने संसाधन हो थोड़े बहुत कम पड़ते ही है। अमेरिका जैसा देश, उसको संसाधन कम पड़ गए, देखिए। तो इसमें जो है सहकारिता के माध्यम से इसमें काम करना चाहिए। हमारी केंद्र की सरकार, प्रदेश की सरकार ईमानदारी से काम कर रही है और आंकड़े उपलब्ध हैं। अब ये कहेंगे आंकड़े गलत है, मैं ये कह रहा हूं आंकड़े अगर गलत है सही आंकड़े आप ले आइए, ये दूसरा विषय। पहली बात ये है हमारी सरकार ईमानदारी से काम कर रही है और जो आगे भी आगे आने वाले समय में काम करेगी, और हमें लगता है इस महीने के लास्ट तक अंत तक इसके जो है लगभग न के बराबर उत्तर प्रदेश से कोरोना के केस हो जाएंगे। देखिए हमारे योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, मुझे याद है पिछली बार जब कोरोना की लहर आई थी तब इनके पिताजी एक्सपायर हो गए थे, तो उन्होंने जनता के हित में उत्तर प्रदेश की जनता की सेवा के चलते अपने पिताजी की अंत्येष्टि तक में नहीं गए थे। और दूसरी घटना ये हुई, खुद कोरोना से पीड़ित हो गए और हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बेड पर लेटे लेटे देश के प्रदेश के हित में काम करते रहे, और जैसे वो निगेटिव हुए समाज में निकल आए, वर्तमान में 50 से ज्यादा गांव में, 50 से ज्यादा जिलों में दौरा कर चुके हैं। उसी का परिणाम है इस समय 91% रिकवरी रेट उत्तर प्रदेश में देश में सबसे ज्यादा है, और जो टेस्टिंग है कितने टीकाकरण हो चुके हैं, कितने आपके प्लांट लग चुके हैं, ये सब मैं आपको पहले बता चुका हूँ, इस बात को मैं बार बार दोहराऊंगा नहीं। देखिए विपक्ष की भूमिका जो है, विपक्ष को सकारात्मक भूमिका का भी कहीं निर्वहन करना चाहिए। विपक्ष का मतलब ये नहीं है, चलिए राघवेंद्र जी, विपक्ष को सकारात्मक भूमिका के साथ साथ विपक्ष का भी ये दायित्व होता है कि जो गलत है उसका आईना आपको दिखाए, और शायद विपक्ष इसलिए भी बार बार आपको ये चेता रहा है कि अभी भी मौका है, इस पर आप लोग अगर थोड़ा सा और बेहतरी से काम करें तो ये स्थितियां और अच्छी और बेहतर हो सकती हैं। आप सभी का बहुत शुक्रिया समय निकालने के लिए, चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। हालांकि कोरोना के आंकड़े कम हुए हैं इस बात में सच्चाई है, क्योंकि ये आंकड़ों के आधार पर इन बातों को सरकार की तरफ से कहा जा रहा है, लेकिन विपक्ष का अपना काम है और वो इस पर सवाल उठा रहा है। लेकिन देखना यह है कि इन आंकड़ों के ही आधार पर अब आगे इस लड़ाई को कैसे ये सत्ताधारी पार्टी जीतती है और किस तरीके से कोरोना को काबू में करती है, ये भी सवाल अभी बरकरार है। आज बड़ी बहस में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।